अस्सलाम वालेकुम। आज हम मूंग बनाने हैं। मूंग आप देख सकते हैं साबुत मूंग है, तो इसके हम दाल बनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए हमने ये आधा किलो मूंग लिए और ये अभी धोए हैं, अभी धो के और रख लिए हैं, पहले से नहीं भिगोए थे हमने। आप चाहें तो पहले से भिगो लें, लेकिन इसका कलर खराब हो जाएगा, वो कलर थोड़ा सा ग्रीन कलर जो है वो थोड़ा लाइट हो जाएगा, तो इसीलिए। और जरूरत भी नहीं है, कुकर में बनाएंगे तो ज्यादा भिगोने की जरूरत भी नहीं होती है, इससे उड़द को भिगोने की जरूरत पड़ती है। तो उसके मसाले के लिए हमने ये दो प्याजे लिए और ये ऐसे महीन काट लिए, और एक टमाटर लिया ये भी महीन काट लिया, दो हरी मिर्चे हैं ये ऐसे पीसों में कट कर लिया हमने, और दो टमाटर का हमने पेस्ट बना लिया, आप देख सकते हैं। आप चाहें तो खाली प्यूरा डाल सकते हैं या काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने दोनों ही लिए। तो उसके लिए दो टीस्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया, दो टीस्पून हरी मिर्च का पेस्ट लिया, ये हरी मिर्च का है, और एक टीस्पून हमने ये सब्जी मसाला लिया। ये बाजार में आसानी से मिल जाता है, अगर चाहे आपके पास नहीं हो अवेलेबल तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसकी जगह तो छोले का मसाला डाल सकते हैं थोड़ा सा, तो उससे मजा जो है बहुत ही अच्छा बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। और ये नमक है एक टीस्पून और आधा टीस्पून हल्दी है, ये हम जब मूंग उबालेंगे तो उसमें डालेंगे। और ये अलग से सारे मसाले, एक टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, एक चौथाई टीस्पून हल्दी है क्योंकि हम उबालने में भी डालेंगे हल्दी, इसीलिए नमक है एक चौथाई टीस्पून, नमक उबलने में भी जाएगा इसलिए मसाले के हिसाब से ले रखी हमने चीजें। आधा टीस्पून गरम मसाला है, आधा टीस्पून जीरा है पिसा हुआ भुना हुआ, आधा टीस्पून काली मिर्च पाउडर है, एक टीस्पून हमने धनिया पाउडर लिया है, एक बड़ी इलायची है, और ये थोड़े से तेज पत्ते हैं टूटे हुए सब मिला के, तो एक से डेढ़ तेज पत्ता है ये, और दो दालचीनी के टुकड़े हैं छोटे छोटे, आधा टीस्पून जीरा है साबुत। ये दिखाते हैं इधर, पहले हम दाल को उबलने के लिए रख देते हैं। ये कुकर रख लिया हमने, इसमें हम मूंग डाल देते हैं, ये देर भी नहीं भिगोए हमने बिल्कुल भी, क्योंकि मूंग की दाल हो या मूंग हो तो ये जल्दी से गल जाते हैं, तो हमें इसने बिल्कुल घोटना नहीं है, हल्का सा खड़ा रखना है लेकिन गले हुए पूरे होना चाहिए। और इसी के साथ साथ हम इसमें नमक और हल्दी डाल देंगे, पानी डाल देंगे उबलने के लिए। देखिए तो हमने इसमें आधा जग पानी डाल दिया, तो हम इसे उबलने के लिए दूसरे चूल्हे पे रखते हैं। इतने हम इधर ग्रेवी तैयार कर लेंगे, 5 से 7 मिनट हम 3 से 4 सीटियां लगाएंगे इसमें, और कुकर को बंद कर देते हैं। ये देखिए हांडी हमारी खुशक हो गई है, तो हम इसमें तेल डाल देते हैं 2 चम्मच के करीब, बड़े वाले जो सालन के चम्मच होते हैं। अब हम सरसों के तेल में बना रहे हैं, आप जो खाते हो आप उसमें बना सकते हैं। तो ये थोड़ा सा गरम हो जाए तेल, ये देखिए तेल गरम हो गया हमारा। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है गरम होने में, क्योंकि ये सरसों का है और कच्चा ही डाल देते हैं तो उसमें आने लगती है, तो पूरा ही जो है हांडी खराब हो जाती है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें कच्चा ही डालना पड़ता है तेल, और कुछ ऐसी होती हैं, ज्यादातर ऐसी होती हैं जिसमें थोड़ा सा गर्म ही करना पड़ता है ताकि हल्का सा धुआं सा उठने लगे, तो ज्यादा नहीं बस हल्का सा ही, ज्यादा बहुत तेज धुआं उठा के जो पकाते हैं तो वो अचार के लिए पकाते हैं, अचार में डालने के लिए, तो हमें बस इतना ही चाहिए। तो ये हमारा गर्म हो गया, तो इसमें हम पहले ये बड़ी इलायची डाल देते हैं और तेज पत्ता और जीरा डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू होती है और बहुत ही बढ़िया लगता है। तो थोड़ी सी हींग भी डाल देंगे हम इसमें, ये देखिए 1/4 टीस्पून के करीब मसाले अच्छे से भुनने लगे हैं, आप देख सकते हैं। तो हम इसमें प्याज डाल देंगे, वैसे बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है, बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रही है मसालों की।
इसे अच्छे से भून लेंगे। हमें इसका कलर ज्यादा चेंज नहीं करना है, लेकिन इसे भूनना है नरम होने तक। तेज आंच पे ही भून लेते हैं। ये देखिए प्याज अच्छे से भुन गई है, आप देख सकते हैं इतनी नरम हो गई है प्याज। तो हम इसमें ये हरी मिर्चें डाल देंगे और हरी मिर्च के साथ साथ हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। ये देखिए अदरक लहसुन भी भून लेते हैं अच्छे से। अदरक लहसुन भी भून गया, आप देख सकते हैं। आपको उठा के दिखा देते हैं, तेल में झाग हो रहा है अदरक लहसुन की वजह से। ये देखिए, तो इसमें टमाटर प्यूरी डाल देते हैं पहले। इसके साथ साथ हम ये सारे मसाले डाल देते हैं। इधर हमारे जो मूंग हैं वो रख दिए हमने दूसरे चूल्हे पे, तो उबलेंगे जब तक हमारी ग्रेवी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। डाल देते हैं सब नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें नमक मिर्च, क्योंकि हमने मूंग में भी डाले हैं, तो इसीलिए इसमें बहुत थोड़ा सा मसाले के लिहाज ही नमक डाला है। नमक के तो डलने की गुंजाइश होती है, लेकिन निकलने की कोई गुंजाइश नहीं होती है, तो इसीलिए इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल लेंगे हम आधा कप के करीब, तो इसे अच्छे से पका लेते हैं। मसाला अच्छे से पक जाएगा, एक से दो बार पानी डाल के ऐसे ही हमें इसे भूनना है अच्छे से, जब तक हमारे मूंग भी गल जाएंगे। अगर चाहे आपके मूंग पहले से ही तैयार हों, गले हुए आपने रख रखे हों बना के, तो आप को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बनाने में, वो जल्दी बन जाती है। थोड़ा सा तीन से चार सीटियां आ गई हैं, तो खोल के देख लेते हैं। देखिए मसाला भी भूनने लगा है, देख सकते हैं। इसी के साथ साथ हम इसमें ये टमाटर भी डाल देंगे। टमाटर हमें थोड़ा सा खड़े खड़े ऐसे चाहिए थे, तो मुंह में आए किरंची किरंची, तो इसीलिए हमने बाद में डाले हैं टमाटर। हमें इन्हें टमाटरों को ज्यादा गलाना या ज्यादा पकाना नहीं है, तो आंच हमने हल्की कर दी है। देखिए मैं मसाला अच्छे से भून गया, आप देख सकते हैं। दो दफा पानी डाल के हमने ऐसे आधा आधा कप और इसे मसाले को अच्छे से भून लिया और ऑयल ऊपर आने लगा, और इधर हमने मूंग भी उबाल लिए। ये देखिए इसमें पानी बिल्कुल नहीं है और मूंग बिल्कुल सही है, एकदम गल गए आप देख सकते हैं। और इसे आपको अगर चाहे और ज्यादा जल्दी गलाने हो, तो इसे 10 मिनट लगे हमारे मूंग को गलने में, तो थोड़ी सी देर भिगो लें उसे और फिर गला लें। इधर हमने पानी रख दिया गर्म करने के लिए, थोड़ा सा हमें पानी की जरूरत पड़ेगी, तो इसीलिए इसमें हम ये थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देते हैं। तो चूल्हे को हल्का कर देते हैं, कसूरी मेथी की भी बहुत ही अच्छी खुशबू होती है अपनी। चूल्हा थोड़ा हल्का कर लेते हैं और इसमें दाल डाल देते हैं। ये देखिए दाल डाल देते हैं इसमें सारी, हमें ज्यादा घोटनी नहीं है दाल को, दाल पहले ही बहुत अच्छे से गल गई है, जैसे हमें चाहिए थी वैसे ही गल गई है। ये देखिए सब दाल डाल दी है हमने, इसे अच्छे से मिला लेते हैं। इधर हमने पानी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि दाल में बिल्कुल भी पानी नहीं था, तो इसीलिए ये चावलों के साथ चपाती के साथ आप खाएं, इसे बहुत ही अच्छा लगेगा। जीरे के चावल या पसा के चावल जैसे भी आप पसंद करते हो आप वैसे ही खाएं। इधर हम पानी उबाल रहे हैं, तो उसमें उबाल आ जाए तो
देखिए पानी हमने अच्छे से उबाल लिया, तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और जरूरत होगी तो बाद में डालेंगे। ये देखिए पानी डालते ही इसमें उबाल आना शुरू हो गया, तो इसे अच्छे से मिला देते हैं। चूल्हा थोड़ा सा हल्का ही रखें, तेज न रखें। ये देखिए इसमें हमने आधा लीटर के करीब पानी डाल दिया, आप देख सकते हैं अभी कितनी गाढ़ी है ये। ये देखिए अगर आप चावलों से खाना चाहते हो तो थोड़ा सा इसे और पतला कर सकते हैं, पानी डाल सकते हैं। चपाती पराठों के साथ खाएं तो आप ऐसे ही यूज करें इसे। तो ये अच्छे से हमने मिला दिया इसे, इसमें बिल्कुल भी अब लम्स नहीं है। ये देखिए दाना दाना बिल्कुल अलग अलग है इसका, तो ये पकने लगा है। तो इसमें हम ये हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे, इसे आप बाद में ही डालें क्योंकि पकाएंगे थोड़ा सा 5-6 मिनट के लिए, तो उसमें ये पक जाएगा, तो ज्यादा जल्दी ना डालें तो उसका मजा खराब हो जाएगा। तो ये मसाला सब्जी मसाला डाल देते हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें मिर्चे नमक, क्योंकि इसमें भी मिर्चे होती हैं इसीलिए। तो इसे हम मिक्स कर देते हैं, इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है मसाले की, बिल्कुल हमने अलग तरीके से बनाई है एकदम। आप हमारे तरीके से जरूर बना के देखिए और खा के फिर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसी लगी हमारी ये रेसिपी दाल की वीडियो। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं इसमें, थोड़ा सा हम ऊपर से डालेंगे। देखिए इसमें उबाल आने लगा है, ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है, इसमें उबाल आना शुरू हो गया। और ना भंगार लगाने की जरूरत है, अगर फिर भी आप चाहें तो जीरा लाल मिर्च और हल्का सा पिसी हुई मिर्च डाल के आप ऊपर से भंगार लगा सकते हैं इसमें, वैसे इसमें भंगार की जरूरत नहीं है। इसमें सारी चीजें हमने डाल रखी है, फिर भी आपको दिखाने के लिए हम भंगार लगा देते हैं। एक चम्मच तेल ले लिया, हम देख सकते हैं ये गरम होने लगा, तेल गरम हो गया। तो हम इसमें लहसुन डाल देते हैं, हमने लहसुन छील के और उन्हें हल्के से क्रश कर लिया ऐसे दबा के, और वो डाल दिए। और दो मिर्चे ले लिए, तो इनको बीच में से तोड़ के डालें, नहीं तो ये साबुत मिर्चे डालते हैं तो वो उछल जाती हैं। और आधा टीस्पून जीरा डाल दिया, भंगार लगाने के लिए, आप चाहें तो लगाएं नहीं तो ना लगाएं, जरूरी लाल हो जाए गोल्डन गोल्डन सा, तब तक हमें इसे फ्राई करना है। लहसुन का मजा बहुत ही अच्छा होता है, देखिए लहसुन गोल्डन होने लगा, ये बिल्कुल ना पिचका हुआ है एकदम दबा हुआ, ये आप देख सकते हैं। तो आप चाहें तो पीस भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे ऐसे भी डाल सकते हैं। तो चूल्हे को बंद कर दिया हमने, ये देखिए चूल्हा बंद कर दिया, तो हम भंगार लगा देते हैं। इसमें खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है, बहुत ही बढ़िया दाल बनी है हमारी। इसे ढक देते हैं 1 मिनट के लिए, और कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे, मैं मूंग दाल बिल्कुल तैयार है, आप देख सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा और शेयर भी, ताकि हम जो भी नई वीडियो डालें आपके पास सबसे पहले पहुंचे इसीलिए। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और शेयर भी जरूर करिए। और फिर मिलते हैं अपनी नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।